पति ने दिया 3 तलाक, सास ने करवाया देवर से हलाला, पति ने फिर किया निकाह। गोंडा में 23 वर्षीय लड़की के साथ 3 तलाक और हलाला की घटना सामने आई है। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी को 3 तलाक दिया, इसके बाद सुलह समझौता कर पीड़िता जब अपने घर रहने के लिए पहुंची तो सास ने पीड़िता का देवर से हलाला कराया। देवर से हलाला कराए जाने के बाद फिर आरोपी पति ने पीड़िता के साथ निकाह किया, पीड़िता का गर्भपात कराकर फिर से 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। पीड़िता ने पति देवर और सास ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली लड़की का निकाह बीते साल 25 सितंबर को तसव्वर उर्फ बेचई के साथ हुआ था। तसव्वर थाने में चौकीदार का काम करता है। घर में उसकी माँ और एक भाई है। पीड़िता के मुताबिक जब वो निकाह के बाद ससुराल गई तो पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है, वो 5 बच्चों का पिता है। फिर भी वो पति के साथ रही, मगर दहेज का ताना देकर 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल की डिमांड की गई। पीड़िता ने अपनी माँ से दहेज मांगे जाने की बात बताई तो पीड़िता की माँ ने गरीबों की बात कहकर दहेज देने से मना कर दिया। इसके बाद मेरे पति ने मेरी माँ से कहा कि मुझे दहेज चाहिए, अगर तुम अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता रखना चाहती हो तभी हम तुम्हारी बेटी को रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। इसके बाद आरोपी पति ने उसके साथ मारपीट की, पति ने 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। पीड़िता ने गोंडा महिला थाना में शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। दोनों पक्षों का आपसी सुलह समझौता करा दिया गया। वहाँ सुलह समझौते के बाद वापस ससुराल गए। पीड़िता ने आगे बताया कि ससुराल पहुंचने पर सास ने देवर निजाम से 2 दिन तक हलाला कराया। निजाम के साथ हमको हलाला करना पड़ा और 2 दिन तक निजाम ने मेरे साथ बलात्कार किया, फिर देवर निजाम ने तलाक दिया। इसके बाद फिर से पति ने निकाह किया। इसके बाद मेरे पति ने मेरे पेट में पल रहे 2 महीने के बच्चे का गर्भपात करा दिया। इसके बाद मारपीट पर फिर से 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। अब पीड़िता ने पति, सास ससुर और देवर समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सितंबर में हमारी शादी हुआ तो हम वहाँ पर गए तो वो ताना हमें मारने लगे, कहने लगे कहा 50,000 रुपया और मोटरसाइकिल लाओ। तो हम कहे, हम अपनी मम्मी से कहें फ़ोन से कि अम्मी ये कह रहे हैं 50,000 रुपया और मोटरसाइकिल। तो हमारी अम्मी उनसे फ़ोन से बात करी कहीं हम बेटा नहीं दे पाएंगे, तो वो कहने लगे हमें चाहिए तुम्हारी बेटी को सुरक्षा चाहिए, तो तब हम तुम्हारी बेटी को रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। तो वो हमें मारने लगे उस दिन से, तो हमें मारे फिर हमें वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि वो शादीशुदा हैं, उनके 5 बच्चे हैं पहले से ही। हाँ पहले से 5 बच्चे हैं। तो हम कहने लगे कि तुम्हारी 5 बच्चे हैं, हमें तुम अपना सच्चाई बताते। हम ऐसे बोले कि हमें तुम सच्चाई बताते, हम तुमसे शादी नहीं करते। तो वो हमें कहे हम नहीं बता, तुम्हारी मम्मी से 3 बच्चे हम बताए थे। तो हम कहे नहीं ये गलत है, तुम हमें बताना चाहिए, हमें गुजारा करना था, हम ही रहने थे। तो कहने लगे तुम्हारी मम्मी से बताए। तो हम कहे हमारी मम्मी से क्या है, हमें बताओ ना, हम ही तुम्हारे साथ हैं, अम्मी कहाँ हैं। तो वो कहने लगे का तुम्हारे साथ हम हैं ना। तो कहने लगे का हम तुम्हें कमा के खवाएंगे। तो वो कहने हम कहें ठीक है तुम भी खवाओगे। तो हम वो कहने लगे फिर हमारे मार कर हमें भगा दिए, हमारे सास मारे, हमारे माझिल वाले देवर मारे, हमारे आदमी मारे, फिर तलाक करके हम कह 3 जबान तिलाक तिलाक बोल कर हमें भगा दिए घर से। तो हम वहाँ से चले आए, तो वहाँ से तो हम चौकी पे गए महिला थाना पे। तो वहाँ से हमें सुलह समझौता करके हमें पठा दिया गया। तो हम वहाँ पर गए 2 महीना निक निक से हमें रखे। फिर हम सास पहुँचे उनके घर तो हमारी सास कहने लगे का तुम्हें हलाला करने पड़ेगा। तो हम कहने अम्मी किसके साथ करना पड़ेगा। तो कहने लगी का निजाम के साथ हलाला करने पड़ेगा। तो निजाम के साथ हमें हलाला करने पड़े। निजाम कौन है आपके? हमारे देवर हैं। तो हम उनके साथ हलाला करें, 2 दिन हम उनके साथ रहे, हमारे साथ बलात्कार भी किए। तो हम उनके साथ रहने के फिर वो करें। तो हमारे वो निजाम है, हमारे देवर, वो तिलाक दे दिए हमें 2 दिन के बाद। तो हमें तसव्वर से हमें फिर दोबारा निकाह हुआ। फिर तसव्वर ने हमें मार के फिर हमें भगा दिए। हमारे पेट में 2 महीने का बच्चा था, वो सफाई करवा दी। फिर सफाई करा के हमें मार के फिर हमें भगा दें। तो हम अपने घर पर आए तो यहाँ हम कोर्ट में हम वो कर दिए। मुकदमा आपका लिखा गया? हाँ मुकदमा लिखा गया, हमें न्याय चाहिए। बेटा किसके साथ शादी हुई थी आपकी? तसव्वर के साथ। क्या करते हैं? चौकीदारी। देहात के रहने वाले एक लड़की की शादी कस्बा खोड़ारे थाना खोड़ारे के अंतर्गत मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया गया था। महिला द्वारा अपने पति और उनके परिजनों के विरुद्ध कथित आरोप लगाते हुए जिसमें 3 तलाक व अन्य कुछ आरोप थे के सामने दी गई दलील के आधार पर दिनांक 22/2/2024 को भी पंजीकृत किया गया था।
जिसकी विवेचना उपनिर से प्रेमचंद गुप्ता थाना खुड़ा द्वारा संभावित की जा रही है। मुक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन करते हुए ग्रामता से श्री कृष्णा रहित विवेचक को भेज दिया गया है।